तो हमने क्या किया, स्नेल लॉ कैसे लगाना है मैंने सिखा दिया, म्यू की डेफिनेशन मैंने बता दी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने बता दिया कि जो वेवलेंथ है नई वेवलेंथ लैम्डा बाय म्यू, अभी करवाया मैंने फॉर्मूला, ऑप्टिकल पाथ वैक्यूम में होता है, म्यू इन टू पाथ फिर मीडियम बता दिया, फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट अनचेंज रहती है अगर मीडियम भी चेंज करें, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो इसके बेस पे क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन में मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक वर्ड क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि जो YDSC ये जो एक्सपेरिमेंट है टू स्लिट्स का, ये व्हाइट लाइट पे नहीं चलता, क्योंकि व्हाइट लाइट में सात रंग हैं, सात रंग सात रंगों के साथ इंटरफेयर करके लाइट ही लाइट कर देते हैं, आप डार्कनेस देख नहीं पाते। आपको मोनोक्रोमेटिक, मोनो का मतलब सिंगल, क्रोमेटिक का मतलब कलर, सिंगल कलर लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट करना है। सिंगल कलर लाइट का एग्जाम्पल है लेज़र, तो YDSC का एक्सपेरिमेंट लेज़र लाइट से किया जाता है, तो आपको पैटर्न एकदम सही दिखता है। इसलिए बार बार वो क्या यूज़ करता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट है, और वेवलेंथ गिवन है इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ ग्लास सरफेस, हवा से ग्लास पे हिट कर दिया, और आपको लाइट की वेवलेंथ पता है। वेवलेंथ ऑब्वियसली किस में पता होगा, वैक्यूम में पता होगा, तो वैक्यूम के अंदर वेवलेंथ पता है। अब वो कह रहा है व्हाट इज दी वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्रैक्टेड लाइट, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम, तो चलो निकाल भी लेते हैं। नई वेलोसिटी क्या होगी, आज फॉर्मूला करवाया वी का, सी बाय लैम्डा चेक करो, इस मीडियम में वेलोसिटी क्या होगी, सी बाय लैम्डा, सी स्पीड ऑफ लाइट पता है, लैम्डा पता है, वी आ गया, तो यहाँ फ्रीक्वेंसी आ गई, सॉरी सी बाय लैम्डा से ये क्या किया इसने मीटर, हाँ फ्रीक्वेंसी आएगी, ठीक है। सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, राइट, सही है, क्लियर है यहाँ तक, क्योंकि लैम्डा आपको पता है, सी आपको पता है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी आ गई। नेक्स्ट है स्पीड, ये फॉर्मूला मैंने आपको करवाया स्पीड का, स्पीड ऑफ लाइट को म्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपको मीडियम के अंदर स्पीड आ गई। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो भी आई वो सेम रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कभी चेंज होती नहीं। और अगर लैम्डा ग्लास में निकाल लें, तो एक शॉर्टकट करवाया मैंने, ग्लास के अंदर जो भी लैम्डा होगा वो क्या होगा, जो भी वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, मतलब आप ग्लास के अंदर वी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा लगा रहे हैं, तो फिर लैम्डा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्लास अपॉन वेलोसिटी ऑफ ग्लास अपॉन फ्रीक्वेंसी। वेलोसिटी ऑफ ग्लास हम निकाल चुके हैं, फ्रीक्वेंसी हम निकाल चुके हैं, डिवाइड करके क्या आ गया, लैम्डा। नहीं तो ऐसा भी कर सकते थे, लैम्डा ग्लास इज इक्वल टू लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय म्यू, ऐसा भी कर सकते थे। तो बेसिक फॉर्मूला है, एक बार फॉर्मूला लगाया वैक्यूम में सी इज इक्वल टू न्यू लैम्डा, और एक बार लगाया मीडियम में वी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहाँ तक, तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है, लैम्डा ये फॉर्मूला ऐसे लगा, ग्लास में जो वेलोसिटी है, ग्लास में जो वेलोसिटी है वो फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा ऑफ ग्लास है। आपको ये निकालना है, ये आपको हम निकाल चुके, ग्लास में वेलोसिटी आपको निकाल चुके, वो भी यहाँ से आंसर आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज गिवन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज गिवन, तो डायमंड का पता है और ग्लास का पता है। हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन विंडो ग्लास देन इन डायमंड, तो विंडो ग्लास में कितनी स्पीड से ट्रेवल करेगी लाइट एज कम्पेयर टू डायमंड, तो क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड पता है और ग्लास पता है, तो ये बताओ कि डायमंड के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सी बाय वेलोसिटी मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, क्योंकि मीडियम डायमंड है तो सी को वेलोसिटी ऑफ डायमंड से डिवाइड करेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का आ गया, यानी कि वेलोसिटी का फॉर्मूला डायमंड में क्या आएगा, सी डिवाइडेड बाय म्यू, अभी शॉर्टकट करवाया था, वी इज इक्वल टू सी बाय म्यू, क्योंकि मीडियम डायमंड है, सी स्पीड ऑफ लाइट पता है, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, वेलोसिटी आ गई डायमंड की। फिर ग्लास के लिए लगा लो, ग्लास के लिए फॉर्मूला क्या होगा, वेलोसिटी का सी बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट पता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास पता है, डिवाइड करके वेलोसिटी ऑफ ग्लास आ गई। तुम्हें ये बताना है कि ग्लास में कितनी स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डायमंड, तो तुम ग्लास और वेलोसिटी ऑफ डायमंड को माइनस करके इनकी रिलेटिव स्पीड बता दो, इससे ये पता लगता है कि ग्लास के अंदर स्पीड ज़्यादा है एज कम्पेयर टू डायमंड, और कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है। तो इस समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी की वैल्यू कैसे निकलेगी, मतलब बेसिक फॉर्मूला यही है, वेलोसिटी का सी बाय म्यू, सी बाय म्यू, एक बार डायमंड के लिए, एक बार ग्लास के लिए। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक, कैलकुलेट टाइम इन विच लाइट विल ट्रेवल, टू ट्रेवल नॉर्मली थ्रू अ ग्लास प्लेट ऑफ थिकनेस गिवन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास भी गिवन है, वेलोसिटी ऑफ लाइट भी गिवन है।
वो कह रहा है कि एक ना ग्लास स्लैब को क्रॉस करना है और आपको टाइम बताना है। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। तो टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है? 1 mm, यानी कि 1 × 10⁻⁻³। वेलोसिटी, वेलोसिटी ग्लास के अंदर क्या होगी? फॉर्मूला है ना ये रहा, सी बाई म्यू। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? सी आपको स्पीड पता है, रिफ्रैक्टेड इंडेक्स आपको पता है, सी को म्यू से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी आ गई। इस वेलोसिटी को डिनोमिनेटर में पुट कर देते हैं, 2 × 10⁻⁸ टाइम की वैल्यू आ जाएगी आंसर। इतने समय में लाइट क्रॉस करेगी आंसर। क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि ये आंसर कैसे निकलेगा? टाइम क्या है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस आपको पता है, थिकनेस आपको पता है, और वेलोसिटी निकालने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सी बाय म्यू से क्या जाएगी? वेलोसिटी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें, क्या क्वेश्चन है कि व्हाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ वेव्स और वेवलेंथ गिवन। आपको वेवलेंथ पता है, इतने के बीच में वेवलेंथ है। व्हाट विल बी दी वेवलेंथ रेंज अगर लाइट गोज थ्रू वाटर? तो अगर ये वेवलेंथ है लैम्डा, वैक्यूम में, पानी के अंदर वेवलेंथ क्या होगी? इसको म्यू से क्या कर दें? डिवाइड। पानी की वेवलेंथ आ गई, पानी के अंदर लाइट की वेवलेंथ आ गई। और अगर ये वेवलेंथ है तो म्यू से डिवाइड करके पानी के अंदर फिर वेवलेंथ आ गई। आपको रेंज निकालनी है, रेंज क्या होगी? 300 से लेके 525 आंसर है। तुम्हें वैक्यूम में रेंज पता है, तुम्हें पानी के अंदर रेंज निकालनी है। तो लोअर रेंज लेके पानी के अंदर लोअर रेंज आ गई, अपर रेंज लेके पानी के अंदर अपर रेंज आ गई, तो ये रेंज की वैल्यू आ गई आंसर। नेक्स्ट, ऑप्टिकल पाथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज सेम। ऑप्टिकल पाथ सेम है अगर लाइट 2 cm ग्लास के अंदर ट्रेवल करती है या 2.25 cm पानी के अंदर ट्रेवल करती है, तो ऑप्टिकल पाथ सेम है। आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पानी का पता है, ग्लास का निकालना है। तो मुझे सिर्फ ये बताओ ऑप्टिकल पाथ का मतलब क्या होता है? वैक्यूम इक्विवेलेंट डिस्टेंस को ऑप्टिकल पाथ बोलते हैं। तो अगर आपके पास ग्लास तो ऑप्टिकल पाथ निकालना है, तो ग्लास के अंदर थिकनेस कितनी है? 2 cm, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई कर दिया, और वाटर के अंदर क्या करेंगे? ऐसे लगा लेते हैं, ऑप्टिकल पाथ ग्लास में क्या होगा? ग्लास का डिस्टेंस इनटू ग्लास का डिस्टेंस कितना है? 2। वाटर का क्या होगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर को थिकनेस से क्या कर दिया? मल्टीप्लाई। लेकिन वो कह रहे हैं कि ऑप्टिकल पाथ दोनों का सेम है, यानी कि पानी के अंदर अगर 2.25 डिस्टेंस ट्रेवल किया या ग्लास के अंदर 2 कवर किया, उनका ऑप्टिकल पाथ वैक्यूम डिस्टेंस दोनों का बराबर है। तो मैंने दोनों का वैक्यूम डिस्टेंस निकाला और बराबर कर दिया। तो आपको क्या निकालना है? म्यू जी की वैल्यू आपको निकालनी है। म्यू वाटर आपको 1.33 पता है, सॉल्व करके म्यू ऑफ जी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। तो समझ में आ रहा है कि ऑप्टिकल पाथ की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी इसमें। नेक्स्ट,
तो इसमें नंबर ऑफ वेव्स इन 4 सेंटीमीटर थिक स्ट्रिप, देखो नंबर ऑफ वेव कैसे निकलती हैं। अगर मान लो ये आपके सामने 4 सेंटीमीटर स्ट्रिप है, एक वेव का मतलब होता है ये क्रेस्ट एंड ट्रफ, इसे एक वेव बोलते हैं, और एक वेव की लंबाई क्या होती है? लैम्डा। तो ऐसी कितनी वेव्स इसमें एडजस्ट होंगी ये बताओ। तो नंबर ऑफ वेव्स विल बी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर पूरी लंबाई को किससे डिवाइड कर देना है? लैम्डा से, एक वेव की लेंथ से। तो नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगी इसमें पूरी, टोटल थिकनेस को, टोटल लंबाई को, एक वेव की लेंथ, लंबाई क्या होती है? लैम्डा, लैम्डा से डिवाइड करके नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगे। समझ में आ रहा है नंबर ऑफ वेव कैसे निकलती हैं? तो वो क्वेश्चन में यही तो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? नंबर ऑफ वेव्स इन 4 सेंटीमीटर थिक स्ट्रिप ऑफ ग्लास इज सेम एज इन 5 सेंटीमीटर वाटर लेयर व्हेन द सेम मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रेवल्स इन देम इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का गिवन है, ग्लास का क्या होगा? वो क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ वेव्स ग्लास में वाटर में सेम है, ग्लास की थिकनेस कितनी है? 4, पानी की थिकनेस कितनी है? 5, तो ग्लास में नंबर ऑफ वेव कैसे निकलेंगी? 4 सेंटीमीटर को लैम्डा ग्लास से डिवाइड कर दिया, नंबर ऑफ वेव ग्लास में आ गई। और पानी में कैसे निकलेगी? पानी की थिकनेस 5 है, इसको वेव की लेंथ से डिवाइड कर दिया, पानी के अंदर वेव लेंथ लैम्डा वाटर है, ये नंबर ऑफ वेव्स आ गए। पर वो क्या कह रहे हैं? नंबर ऑफ वेव दोनों में एग्जैक्टली सेम है, तो एक बार ग्लास में एक बार पानी में, रीअरेंज करके टर्म आ गई, ये वैल्यू आ गई। एक शॉर्टकट करवाया था, ग्लास के अंदर लैम्डा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं? लैम्डा नॉट बाय न्यू ग्लास। किसी भी मीडियम में अगर लैम्डा निकालना हो तो लैम्डा नॉट वैक्यूम के लैम्डा को म्यू से डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय इसकी जगह क्या पुट करेंगे? लैम्डा नॉट बाय म्यू वाटर इज इक्वल टू 4/5। यहां से ये कैंसल हो गया, कैंसल होके आपके पास ये रेशियो आ गई, म्यू वाटर बाय म्यू ग्लास इज इक्वल टू 4/5। आपको इस क्वेश्चन के अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का गिवन है कितना? 4/3। आपको किसका निकालना है? ग्लास का, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल लेना। कोई डाउट इसमें? नंबर ऑफ वेव इक्वल कर दी, लैम्डा की रेशियो आ गई, लैम्डा को लैम्डा नॉट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में पुट किया तो ये रेशियो आ गई। आपको ग्लास का निकालना है, वाटर का गिवन है, आंसर आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि नंबर ऑफ वेव कैसे काम करती हैं इसमें। जैसे क्या क्वेश्चन है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज गिवन। वैसे बता दूं, एयर और वैक्यूम एक ही बात होती है, पर यहाँ पर एक बात नहीं है, क्योंकि वो एयर अलग बोल रहा है और वैक्यूम अलग बोल रहा है, तो ये दो अलग अलग मीडियम लिए जाएंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इज गिवन, म्यू एयर तो आपको दे दिया गया, एंड वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट इन वैक्यूम इज गिवन। अब किस में गिवन है? इन वैक्यूम, एयर में नहीं गिवन, वैक्यूम में गिवन है। तो कोई बात नहीं, तुम वैक्यूम में तो निकाल ही सकते हो इसकी वैल्यू लैम्डा की। कैसे? तो आप इसमें वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वैक्यूम गिवन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका गिवन है? एयर का गिवन है,
अब एयर के अंदर अगर वेवलेंथ निकालनी है तो वैक्यूम की वेवलेंथ को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड करते हैं। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का डिवाइड करके क्या आ गई, वेवलेंथ इन एयर आ गई। वैक्यूम की वेवलेंथ पता है और एयर की वेवलेंथ आ गई। वो क्या कह रहे हैं, फाइंड थिकनेस ऑफ एयर कॉलम। कह रहा है कि एयर में थिकनेस बताओ कितनी होगी, विच विल कंटेन वन मोर वेवलेंथ ऑफ येलो लाइट देन इन द सेम थिकनेस ऑफ वैक्यूम। वो कह रहा है कि ये एयर ले लो और ये एक वैक्यूम, दो मीडियम ले लो, एयर की थिकनेस निकालो, वैक्यूम की थिकनेस निकालो जो कि सेम है। ये थिकनेस क्या होगी कि अगर आप इसमें नंबर ऑफ वेव बनाते हैं और इसमें भी थिकनेस में नंबर ऑफ वेव फिट करते हैं तो इसके अंदर नंबर ऑफ वेव्स कितनी आएंगी, टी थिकनेस डिवाइडेड बाय लैम्डा इन एयर, एयर के अंदर लैम्डा कितना है, लैम्डा डैश, और इसमें नंबर ऑफ वेव कितनी आएंगी, टी डिवाइडेड बाय लैम्डा, लैम्डा का मतलब वेवलेंथ किसमें, इन वैक्यूम। नंबर ऑफ वेव ऐसी आएंगी, पर वो क्या कह रहे हैं कि अगर आप एयर के अंदर लेते हैं तो इसमें वन मोर वेवलेंथ निकलती है। मतलब एयर का अगर आप वैल्यू लेते हैं तो जितनी नंबर ऑफ वेव वैक्यूम में निकली थी उससे एक ज़्यादा एयर में निकलती है। तो नंबर ऑफ वेव जो एयर में निकलती है वो एक ज़्यादा निकलती है वैक्यूम से, ऑफ सेम थिकनेस। तो टी की वैल्यू सब में क्या रखी गई, सेम। तो नंबर ऑफ वेव किस में आ गई, एयर में। ये किस में, नंबर ऑफ वेव्स इन वैक्यूम में, और वैक्यूम में वन ऐड करोगे एयर की नंबर ऑफ वेव्स आ जाएंगे। आपको लैम्डा डैश पता है, लैम्डा पता है, टी निकालना आंसर, ये आंसर है। आपको थिकनेस बतानी है एयर और वैक्यूम की क्या रही होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है, नंबर ऑफ वेव पे यानी कि क्वेश्चन आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। और नंबर ऑफ वेव निकलती कैसे है, टोटल थिकनेस को लैम्डा से क्या कर देना है, डिवाइड। तो ये वैल्यू आ गई इसमें सेवंथ।